Hello everyone, I'm Patel and I'm here with our video, first video of the second subject, that is message and mass media audience. BGMC students के लिए ये दूसरा subject है, message and mass media audience का. इसकी ये first video है, ये पहली video लिखी है, मैं आई हूँ. तो आइए देखते हैं इस subject में हमें क्या पढ़ना है, क्या topics cover करते हैं. जो टॉपिक्स कम्स अंडर दिस वीडियो विल बी व्हाट इज़ अ मैसेज, मैसेज क्या होता है. हम जो देखो बच्चों, पहला हमारा ये सब्जेक्ट है मैसेज और मास मीडिया ऑडियंस. यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें सिर्फ मैसेजेस के बारे में पढ़ना है और हमारा जो मास मीडिया ऑडियंस है उनके बारे में पढ़ना. हम देखेंगे ऑडियंस कैसी है हमारी, क्या होती है, ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, कैसे कैसे ऑडियंसेस होती हैं, कैसे उनको काउंट किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, और मैसेजेस हमारे कैसे होते हैं, मैसेज कैसे बनाया जाता है, इफेक्टिव मैसेजेस कैसे बनते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसमें. तो पूरा सब्जेक्ट हमारा सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे बेस्ड है. तो मैंने अपनी पहले ही हम लोग अपनी पहली जो हमारा यूनिट है उसमें जो कुछ पूरे यूनिट को दो वीडियोस में डिवाइड करा हुआ है मैंने. पहले वीडियो में कुछ टॉपिक्स हैं और सेकंड वीडियो में उसके बाद वाले बचे हुए टॉपिक्स हैं. तो ये फर्स्ट वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं व्हाट इज़ अ मैसेज, मैसेज क्या है, इफेक्टिव मैसेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैसेज, पर्सुएशन, रिटोरिक एंड ऑडियंस पार्टिसिपेशन. ये टॉपिक्स मेरे हमारे फर्स्ट वीडियो में हैं. ठीक है, चलिए हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. मैसेज, व्हाट इज़ अ मैसेज, मैसेज क्या होता है. कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मैसेज इज़ डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय वर्ड्स, ईदर स्पीच और राइटिंग एंड और अदर साइंस और सिंबल्स. कम्युनिकेशन स्टडीज़ में हम कहते हैं मैसेज वो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कन्वे कर रहे हैं वर्ड्स से, ईदर वर्बली और नॉन वर्बली. अगर हम वर्ड्स का यूज़ करके या बिना वर्ड्स का यूज़ करके जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं वो मैसेज होता है. तो वर्ड्स का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हम ओरली या रिटन दोनों तरीके से कर सकते हैं. अगर हम नॉन वर्बल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे हमें अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है. तो मैसेज हमारा क्या होता है, बेसिकली मैसेज कंटेंट होता है कम्युनिकेशन का, मतलब हमें क्या बात कहनी है. आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस याद होगा जहाँ पे सेंडर मैसेज बनाता है और मैसेज एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुँचता है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करके समझता है, फिर वो फीडबैक वापस से देता है. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैसेज है और हमारा रिसीवर ऑडियंस है. तो दो चीज़ें हैं. तो मैसेज मतलब क्या बात कहनी है, हमें क्या पहुँचाना है, क्या मैसेज देना है, वो हमारा कंटेंट जो होता है, हमारे पूरे कम्युनिकेशन का जो कंटेंट है वही हमारा मैसेज होता है. मतलब व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू कन्वे, व्हाट थॉट वी हैव टू कन्वे, दैट इज़ द मैसेज. सो मैसेज हम किस तरह बना सकते हैं, दो तरीक़ों से, या तो वर्बली या तो नॉन वर्बली. वर्बली मतलब वर्ड्स का यूज़ करके, वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो भी दो तरीके हैं, या तो बोल के या तो लिख कर, ईदर ओरल और रिटन. और अगर नॉन वर्बल करेंगे तो क्या तरीका है, साइंस या सिंबल्स का यूज़ करके, लाइक अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, अपने आई कॉन्टैक्ट, अपने अपने जेस्चर्स का यूज़ करके, पोस्चर्स का यूज़ करके, साइंस या सिंबल्स का यूज़ करके. इन तरीक़ों से हम नॉन वर्बली बता सकते हैं, जैसे आपकी साइलेंट मूवीज़ होती हैं या जैसे आप अपना कोई एक्ट कर रहे हैं, माइम कर रहे हैं, उसके थ्रू जब आप बिना कुछ वर्ड्स, बिना डायलॉग्स के जब अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो नॉन वर्बल तरीका होता है. ये दो आपने पढ़े होंगे, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. तो दो तरीक़ों से मैसेज हम बना सकते हैं. मैसेज कौन शुरू करता है, सेंडर. द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेंडर एंड द सेंडर कन्वेज ए मैसेज टू द रिसीवर. मैसेज कौन बनाता है, सेंडर बनाता है. सेंडर ही ओरिजिनेटर होता है, वही स्टार्ट करता है प्रोसेस को, वो मैसेज को बनाता है और वो भेजता है रिसीवर के पास. रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करके समझता है. ठीक है, तो मैसेज में वर्बल कंटेंट भी होता है जैसे रिटन या स्पोकन वर्ड्स, और उसके साथ साथ साइन लैंग्वेज भी होती है और आपके जेस्चर्स भी होते हैं. मतलब वर्बल में नॉन वर्बल इंक्लूड होता है लेकिन नॉन वर्बल में वर्बल इंक्लूड नहीं होता है. लाइक मैं अगर वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो मैं स्पोकन वर्ड्स का तो यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, आई मूवमेंट, हैंड मूवमेंट सब कुछ है. तो ये सब कुछ वर्बल में आता है लेकिन नॉन वर्बल में सिर्फ आपकी साइन लैंग्वेज आएगी लेकिन उसमें वर्ड्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे समझेगा कि वर्बल में नॉन वर्बल आ सकता है लेकिन नॉन वर्बल में कभी भी वर्बल नहीं आता. फाइन, तो हमने समझ लिया मैसेज क्या होता है. अभी इफेक्टिव मैसेजेस क्या होते हैं. एन इफेक्टिव मैसेज अ मैसेज दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल.
इफ़ेक्टिव मैसेज मतलब ऐसा मैसेज जो सभी को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, जो रिसीवर्स तक आसानी से पहुंच जाए और उसके बाद रिसीवर उसको बहुत इजीली डिकोड कर सकें। हमने जिस इंटेंशन के साथ या जिस आइडिया के साथ मैसेज बनाया था वो उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली समझ लें, मतलब किसी तरह का नॉइज़ नहीं होना चाहिए, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या अगर आपके मैसेज को मिसअंडरस्टूड किया गया, गलत समझा गया, मिसइंटरप्रेट किया गया, तो क्या वो इफ़ेक्टिव मैसेज होगा? कभी नहीं होगा। इफ़ेक्टिव मैसेज मतलब आपका जो मोटिव है वो फुलफ़िल हो जाए, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए और वो आसानी से पहुँच सके रिसीवर तक और वो ईज़िली डिकोड करी जा सके, ईज़िली समझी जा सके, अंडरस्टैंडेबल हो सभी के द्वारा। तो इफ़ेक्टिव मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं समझने में और बिल्कुल बहुत सिंपल होते हैं और जिसमें हमारा जो डेरिवेटिव है या हमारा जो इंटेंशन है या जो मीनिंग है मैसेज की वो एकदम क्लियर हो, वो एकदम साफ हो, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो वो हमारा इफ़ेक्टिव मैसेज होता है। वो कैसे हो सकता है? जब हम क्लियर मैसेज बनाएंगे, जब हम ईजी और सिंपल मैसेज फ्रेम करेंगे, तब हम कम्युनिकेशन को अपने या मैसेज को अपने इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 steps टू एन इफेक्टिव मैसेज। एक इफेक्टिव मैसेज बनाने के लिए 4 steps क्या हो सकते हैं, कैसे हम एक इफेक्टिव मैसेज को फ्रेम करें? गैदर द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, चूज द प्रॉपर चैनल, बी क्लियर। हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, हमें बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जहाँ जहाँ से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ पे जाके अप्रोप्रिएट या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर करें। पहले आप इतनी इन्फॉर्मेशन ले आएँ जितने की आपको ज़रूरत है, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करिए, मतलब एक तरह से आप ब्लूप्रिंट बनाइए कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, क्योंकि आपको ये समझना है कि हमारा ऑडियंस कैसा है और हमारे ऑडियंस को क्या चीज़ समझ में आएगी। तो ये ब्लूप्रिंट हमें बनाना पड़ेगा कि हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी पहले बतानी है, कौन सी बाद में बतानी, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम हटा दें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम बताएं। तो ये ऑर्गेनाइज़ करने का काम क्या है, किसका है? हमारा है, क्योंकि हमें एक इफेक्टिव मैसेज फ्रेम करना है। चूज़ दी प्रॉपर चैनल, हमें एक प्रॉपर चैनल माध्यम का, एक अच्छे माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? अगर हम माध्यम ही बेकार अच्छा नहीं चुनेंगे तो क्या होगा, हमारे ऑडियंस तक वो नहीं पहुंच पाएगा, वो पहुंचने में मुश्किल होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, जिससे क्या होगा हमारा मैसेज वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, तो हमारा कम्युनिकेशन वहीं पर टूट जाएगा। तो ऐसा चैनल जो हमारा ऑडियंस समझ ले इसलिए। अभी हम गाँव में अपने चैनल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, गांव में अगर हमें कोई अपना मैसेज देना है तो हमें चैनल को बहुत ध्यान से यूज़ करना है कि हमारा चैनल प्रॉपर है कि नहीं है। अगर प्रॉपर चैनल नहीं है तो वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ हैं, या तो वो मीडियम समझ ही नहीं आ रहा है, या वो मीडियम का रीच नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन वहीं टूट जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ऑडियंस कैसा है, ऑडियंस कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सा मीडियम इस्तेमाल करता है, उसी मीडियम उसी चैनल से हमें अपने मैसेज को बताना चाहिए। और वी शुड बी वेरी क्लियर विद आर मैसेज, हमें अपने मैसेज को बहुत क्लियर, सिंपल और साफ बताना चाहिए। तो हमारा मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 steps हैं इफेक्टिव मैसेज के लिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैसेज, एक अच्छे मैसेज इफेक्टिव मैसेज के क्या फीचर्स होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्लैरिटी, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडर एंड दस द सेंडर हैज़ टू बी क्लियर बोथ इन थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। हमारा मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई एम्बिगिटी ना हो, वेगनेस ना हो, हमारा मैसेज बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं हो, बिल्कुल भी वेग नहीं हो। हमें हमेशा सेंडर जो है उसको थॉट और अपने एक्सप्रेशन में बहुत क्लियर होना पड़ेगा, बहुत साफ, कि उसको क्या बताना है। ही शुड बी वेरी क्लियर व्हाट ही हैज़ टू कन्वे टू हिज रिसीवर्स। तो उसको पहले पता होना चाहिए कि वो क्या बताना चाह रहा है, उसके पीछे के इंटेंडेड मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब वो क्लियर है तभी वो उस तरीके से अपने मैसेज को फ्रेम कर सकेगा। तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फॉर इफेक्टिव मैसेजेस, दोनों के लिए क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा कोहरेंस, कोहरेंस इन राइटिंग इज़ द लॉजिकल ब्रिज बिटवीन द वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। कोहरेंस का मतलब है कि लिंक करना एक चीज़ से दूसरे चीज़ों को, लाइक आप कोहरेंस इज़ लाइक
जब हम अपने पैराग्राफ्स में जाते हैं तो हमें एक लॉजिकल ब्रिज बनाना पड़ता है, लाइक वी हैव टू लिंक वन थिंग विद द अनदर। अगर हम चार पांच इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी चीज़ में, तो हमें सबको एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कहीं बीच में अभी हम कोई और बात कर रहे थे, फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने कोई और बात शुरू कर दी, क्या हुआ, वहाँ पर कन्फ्यूजन शुरू हो गया, वहाँ पर लिंक नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो हमें कोहरेंस इज़ लाइक रिलेटेबल होनी चाहिए, एक दूसरे से लिंक करती हुई चीज़ें होनी चाहिए। जो आइडियाज़ हैं वो मेन एक ही होना चाहिए पूरी राइटिंग में, जो मेन एसेंस है वो एक हो, कॉन्टेक्स्ट एक ही हो, और अपने पैराग्राफ्स हम सेंटेंसेस को एक दूसरे से लिंक करते जाएं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आइडियाज़ हैं, सबको हम एक जोड़ते हुए जब आगे बढ़ते जाएंगे तो वो एक इफ़ेक्टिव मैसेज होगा। अगर हम जहाँ पे कनेक्शन छोड़ देंगे या अगर हम रिलेट नहीं करेंगे, दूसरी बात या दूसरे आइडिया पे पहुँच जाएंगे, तो क्या होगा कि ऑडियंस हमारी बात को नहीं समझ पाएगा या कहीं ना कहीं नॉइज़ आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो हमारा कम्युनिकेशन वहीं पर ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें कोहरेंस चाहिए होता है अपने मैसेज में। कॉन्शियसनेस इज़ लाइक आपको अपने ऑडियंस को कंसिडरेशन में रखना होता है। लाइक हमें ये ध्यान रखना, हम वी शुड बी वेरी कॉन्शियस और वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट आर ऑडियंस। अगर हम मैसेज बना रहे हैं तो मैसेज हमें किसके लिए बनाना है, ऑडियंस के लिए, रिसीवर के लिए? तो हम पहले अपने रिसीवर को जान लेंगे तो हम उतना ही अच्छा मैसेज बना लेंगे। अगर हम अपने रिसीवर ही को नहीं समझ पाए हैं तो मैसेज उतना इफेक्टिव नहीं होगा। वी शुड बी अवेयर about our audience's viewpoints, mindset, background, education level, etc. and all these things. हमें पता होना चाहिए कि हमारा audience कैसा है, उसका background कैसा है, उनका education level कैसा है, उनका mindset, उनके viewpoints क्या है। अगर हम इसको थोड़ा सा consider करेंगे तो हम उतना ही अच्छा message बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं। अभी लाइक उनका एजुकेशन लेवल हमें नहीं पता और हम बहुत ही ज़्यादा बिजनेस वाली खबरें अगर उनको सुनाने लगेंगे तो क्या होगा, दे विल बी लाइक, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, उनको कुछ भी नहीं समझ आएगा एंड उनका इंटरेस्ट वहीं से हटना शुरू हो जाएगा। या उनका जो व्यू पॉइंट है, अगर उसके हम अगेंस्ट जाके उनको कोई मैसेज फ्रेम कर रहे हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे या तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो हमें हमेशा अवेयर या कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, मैसेज बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसके लिए वो काम कर रहे हैं। अगर अपने ऑडियंस के लिए करें तो हमारे ऑडियंस को पहले जाने, जब ऑडियंस को हम अच्छे से जान लेंगे तो हम उतना ही अच्छा उसके लिए चैनल चूज़ कर सकते हैं और उतना ही अच्छा मैसेज फ्रेम कर सकते हैं। तो हमारा इफेक्टिव मैसेज बन सकता है अगर हम अपने ऑडियंस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स। हमेशा हमारा जो मैसेज है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो जिन भी सोर्स से हमें मिली है, वो बहुत ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल होने चाहिए। मतलब उनके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिली है, वो बहुत क्रेडिबल सोर्स से मिली है, ऐसी जगह से मिली है जिन पे हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम ये नहीं देखेंगे क्रेडिबिलिटी, तो हमें हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन मिले। और गलत इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आपकी न्यूज़ की जो ऑथेंटिसिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो जब हमारी न्यूज़ पे भरोसा ही नहीं करेगा कोई, तो वो हमें मैसेज पे कोई भरोसा नहीं करेगा, तो वो दोबारा हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा और दोबारा वो हमें सुनना नहीं चाहेगा। तो हमेशा हमें अपनी क्रेडिबिलिटी, हमें अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दीनेस या ट्रुथफुलनेस को मेंटेन करना होता है। इसलिए हमें अपने सोर्स की क्रेडिबिलिटी को भी देखना होता है कि जहाँ से हमने, जिन भी सूत्र से हमने पता करा है, सूत्र जो भी है हमारे, कितने ऑथेंटिक है और कितने क्रेडिबल हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने ये भी पढ़ लिया कि मैसेजेस क्या होते हैं, इफेक्टिव मैसेज क्या होता है, और इफेक्टिव मैसेज बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या फीचर्स होते हैं। एक इफेक्टिव मैसेज कब होता है? जब ये तीन चार चीज़ें अगर होती हैं तभी वो मैसेज इफेक्टिव है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। एंड नाउ वी आर हेयर विद अ फ्यू शॉर्ट नोट्स, लाइक फ्यू कॉन्सेप्ट्स के क्या होते हैं। हमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है कि टर्म्स क्या होते हैं। जैसे पहला टर्म है पर्सुएशन, ये क्या होता है। पर्सुएशन एक एम्ब्रेला टर्म है इन्फ्लुएंस का। व्हेन वी से पर्सुएशन, लाइक टू इन्फ्लुएंस समवन, किसी को इन्फ्लुएंस करना या अपनी बात मनवाना या पर्सुएड करना, तो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिलीव्स, एटीट्यूड्स, इंटेंशंस, मोटिवेशंस या बिहेवियर। ये एक अटेम्प्ट होता है। पर्सुएशन इज़ एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी भी इंसान की बिलीव्स को, उनके विचारों को, उनके बिहेवियर को, उनके जो भी उनका माइंडसेट है, उनको हम चेंज करने की या इन्फ्लुएंस करने की या उनको बदलने की कोशिश करते हैं। वो एक्टिविटी को हम पर्सुएशन बोलते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि टू पर्सुएड समवन, पर्सुएड मतलब अपनी बात मनवाना, या जो आप कह रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस हो जाए आपकी बात से, आपकी बात का इम्पैक्ट हो उन पर, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड पर्सुएशन। ये क्यों ज़रूरी है? पर्सुएशन न्यूज़ में तो इसलिए होता है क्योंकि मीडिया पर्सन कैन ईजिली पर्सुएड द कॉमन मासेस,
जो हम न्यूज़ में देखते हैं लोग वही मानते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको आँख बंद करके भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सुएशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस कर लेंगे जनता को। तो जनता को इन्फ्लुएंस करना इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज उनके पास जो पावर है पर्सुएशन की, उनको पता है कि कैसे इंसान के बिलीफ को चेंज किया जाता है। न्यूज़ देखते देखते हमारे थॉट प्रोसेस बदल जाते हैं, हमारी बिलीफ्स, हम जो हम सोचते हैं वो हमारा बदल जाता है, हमारा माइंडसेट बदल जाता है, हमारे बिहेवियर्स बदल जाते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल टास्क। इस वजह से लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इन बिजनेस पर्सुएशन इज अ प्रोसेस एम्ड एट चेंजिंग अ पर्सन्स एटीट्यूड्स और बिहेवियर टुवर्ड्स सम इवेंट। किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी आइडिया के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर किसी की आप उसके बिहेवियर को बदल रहे हैं या उसके एटीट्यूड को बदल रहे हैं या कुछ चेंजेस आ रहे हैं अगर उसके बिलीव्स में, माइंडसेट में, तो वो पर्सुएशन हुआ। लाइक वो अपने विचार छोड़ के आपके विचारों को मानने की कोशिश करने लगा है, तो वही पर्सुएशन होता है। ठीक, सेकेंड टर्म इज़ रेटोरिक। रेटोरिक क्या होता है? रेटोरिक इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज वेयर एटलीस्ट वन पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज द थिंकिंग ऑफ एटलीस्ट वन अदर पर्सन। लाइक रेटोरिक एक ऐसी आर्ट होती है जहाँ पे हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जब एक पर्सन, कम से कम एक और सामने वाले पर्सन की या कुछ लोगों की थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करता है बाय यूजिंग लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का यूज़ करके जब वो किसी पर्सन की थिंकिंग को चेंज कर रहा है, तो वो रेटोरिक होती है। उस आर्ट को, उस एक्टिविटी को हम रेटोरिक कहते हैं, उस कला को रेटोरिक बोलते हैं। ये ओरली भी करी जा सकती है और रिटन भी करी जा सकती है। ओरली कैसे होता है? लाइक पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे खड़े होके पब्लिक के सामने, पब्लिक फोरम पे कुछ बोलना, वहाँ पे आप बैठ के पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पब्लिक है वो आपकी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रही होती है, तो आप उनके बिहेवियर को, उनके थिंकिंग को चेंज कर पा रहे होते हैं। तो ये ओरली करी जा सकती है पब्लिक स्पीकिंग के फॉर्म में, और रिटन भी होती है थीसिस पेपर्स के फॉर्म में। लाइक आप थीसिस लिखते हैं या रिसर्च पेपर्स लिखते हैं या आप अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो अगर आपके अंदर वो कला, रेटोरिक इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट होती है कैसे हम किसी पर्सन की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन आर्ट और दिस इज़ एन स्किल, जिसको हम स्किल या आर्ट बोल सकते हैं। किसी भी पर्सन की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने की जो कला होती है वो रेटोरिक होती है, उसी को रेटोरिक बोलते हैं। ये कहाँ से आया है? रेटोरिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग, ग्रीक वर्ड है ये रेटोरिक, जिसका मतलब होता है स्पीकर। रेटोरिक मतलब अ स्पीकर, ये ग्रीक वर्ड है। स्पीकर मतलब जो बोलता है, जो कुछ बोल रहा है, दैट्स अ स्पीकर। एंड इज़ यूज फॉर द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। और ये क्यों यूज़ करा गया? फॉर परसुएसिव राइटिंग और स्पीकिंग, मतलब कुछ ऐसा लिखना या बोलना जो परसुएसिव हो, लाइक जिसका इम्पैक्ट पड़े लोगों पे और जिसका इंटेंशन हो परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना या चेंज करना। जैसे पब्लिक स्पीकिंग होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि लोगों के इंटेंशन को चेंज करना होता है। लाइक नेता क्या कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस यही करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्यों करते हैं? वो चाहते हैं जनता के विचारों को बदलना, उनको परसुएड करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, इसलिए वो रैली निकालते हैं, इसलिए वो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। वो क्यों देते हैं? टू इन्फ्लुएंस, टू परसुएड। तो इसी वजह से इसका जो इंटेंशन है वो परसुएसिव ही होता है, चाहे वो लिख के चाहे बोल के, किसी भी तरीके से लोगों के इंटेंशन को बदलना चाहें, तो इस कला को हम रेटोरिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ऑडियंस क्या होती है? पहले हम ऑडियंस समझें, फिर पार्टिसिपेशन समझेंगे, मिला के हम ऑडियंस पार्टिसिपेशन को समझ जाएंगे। ठीक है, तो ऑडियंस क्या होती है हमारी? ऑडियंस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन अ शो और इन काइंड ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। लाइक ऑडियंस किसी भी चीज़ को, किसी भी मीडिया को एक्सेस करने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी ऑडियंस होती है। लाइक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की ऑडियंस कौन है? रीडर्स। प्रिंट के को एक्सेस करने वाले जो ऑडियंस हैं उनको हम रीडर्स बोलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स को पढ़ रहे हैं तो उनको पाठक हैं, वो रीडर्स हैं। टीवी देखने वाले कौन होते हैं? व्यूअर्स होते हैं उनके। रेडियो को सुनने वाले उनके लिसनर्स होते हैं। वीडियो गेम्स खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं। थिएटर देखने वाले भी लिसनर्स या व्यूअर्स होते हैं। सो लिटरेचर पढ़ने वाले हमारे रीडर्स होते हैं। तो ऐसे बहुत, जो भी किसी भी मीडिया, किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया को या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को एक्सेस करने वाले या उसको
देखने वाले या उसको समझने वाले जो लोग होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, वो उनके ऑडियंस होते हैं. और हर फील्ड के अलग अलग ऑडियंस के नाम होते हैं. प्रिंट के रीडर्स होते हैं, उनके रेडियो के लिसनर्स होंगे, टीवी के व्यूअर्स होंगे. तो अलग अलग ऑडियंस, ऑडियंस एक बड़ा टर्म है, इट्स अ वेरी अम्ब्रेला टर्म. और हर फील्ड के, हर मीडिया के जो ऑडियंसेस हैं उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं. ठीक, तो ये हमारी ऑडियंस हो गई. किसी भी चीज़ को एक्सेस जो कर रहे हैं, जितने लोग एक पेपर पढ़ते हैं वो सभी उनके ऑडियंस हैं, जितने रीडर्स हैं उनके वो उनके ऑडियंस हुए. ठीक है, सो अभी पार्टिसिपेशन क्या होता है, व्हेन ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करे, ऑडियंस भी इंटरेस्ट ले, ऑडियंस भी आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेके वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे, तो वो पार्टिसिपेशन होता है. भाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन कैसे होता है, लाइक मीडिया में कैसे हो सकता है पार्टिसिपेशन, एक होता है डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट. अभी आपका कोई फॉर्म ऑफ आर्ट है, जैसे आपने कोई थिएटर करा, तो थिएटर उसने देखा और देखने के बाद उन्होंने जो फीडबैक दिया वो क्या हुआ, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन, लाइक क्लैपिंग या क्रिटिसाइजिंग. अगर उनको पसंद आया तो वो क्या करेंगे, वो विस्लिंग करेंगे, वो क्लैप करेंगे, वो हूटिंग करेंगे. उससे क्या, वो दिखा रहे हैं, वो ये शो करना चाहते हैं कि उनको पसंद आ रही है चीज़ें, वो अपना पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं. वहीं अगर उनको चीज़ें नहीं पसंद आ रही है तो वो क्या करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो कुछ गंदे कॉमेंट्स करेंगे, मतलब उनको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं. अगर हम मीडिया की बात करें, प्रॉपर मीडिया जो हमारी न्यूज़ मीडिया है, जर्नलिज्म की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अगर ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है तो कैसे होता है, न्यूज़पेपर में ऑडियंस कैसे पार्टिसिपेट करती है, वो पढ़ रही है, फीडबैक वो कैसे देती है, वो न्यूज़पेपर में जो आपका एडिटोरियल पेज होता है वहाँ लेटर टू द एडिटर एक कॉलम होता है नीचे, जहाँ पे रीडर्स को ये परमिशन होती है कि वो भी अपनी बात कह सकते हैं, वो फीडबैक दे सकते हैं, वो रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी उस मीडियम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए एक वो तरीका मिलता है पेपर में. फिर आया टीवी, टीवी में प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे कभी कभी आता है, आप देखते होंगे कि कॉलिंग नंबर देते हो, कहते हैं आप कॉल करके बताइए. सिमिलरली रेडियो में भी होता है कि रेडियो में भी वो कहते हैं कि आप ये नंबर पे कॉल करिए और जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए. तो लोगों को ऑडियंस का पार्टिसिपेशन वो चाहते हैं, क्योंकि ऑडियंस अगर बोरिंग तरीके से सिर्फ सुन रही है, सब देख रही है, तो वो बोर हो जाएगी. ये सब अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक्स हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के ये तरीका होता है. तो ये ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है कि कैसे ऑडियंस को हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं अपनी चीज़ों में. और जितनी ज़्यादा ऑडियंस पार्टिसिपेट करेगी उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही अटेंटिव वो चीज़ बन जाएगी. तो उतने ही रीडर्स अट्रैक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी TRP होगी, उनकी रीडरशिप उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोगों को हम पार्टिसिपेशन करने का मौका देंगे. तो इसलिए मीडिया में हमेशा ऑडियंस पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. हमें हमेशा अपना मीडिया प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें. हमें ऑडियंस के लिए भी एक स्पेस छोड़नी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ पे वो भी अपना योगदान दे सके, वो भी अपना कुछ चीज़ बता सके, फीडबैक दे सके. उसके लिए स्पेस हमें हमेशा छोड़नी चाहिए. तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑडियंस पार्टिसिपेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द सब्जेक्ट मैसेज एंड मास मीडिया ऑडियंस. पहला पार्ट है बच्चों, और सेकेंड पार्ट लेके बहुत जल्दी हम आएंगे यूट्यूब पर. सो